हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल की डेट में यहाँ पर तीन वीडियो यहाँ पर बनाई गई थी, दो अलग अलग स्टॉक्स और यहाँ पर आईटी के रुख से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी और आपको बताया गया था कि किस तरीके से आप यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल यहाँ पर सब सब चीज़ों को मिला के अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो बहुत बेहतरीन पैसा क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे और लाइफ टाइम यहाँ पर कमाते रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और एक मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनी बताई थी कि यहाँ पर देखिए, ये वीडियो में यहाँ पर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड देखिए, यहाँ पर दिस इज माई ओन स्ट्रेटेजी, मतलब फ्री में बता रहा हूँ ऐसी स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए। ओके, इसे फॉलो करेंगे तो बेहतरीन यहाँ पर आपको चीजें दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, आपने सुना होगा मन्नापूर्णम फाइनेंस, आपने मुथूत फाइनेंस, आपने डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बट यहाँ पर एक कंपनी और है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। ओके, काफी बेहतरीन कंपनी है। मेरे हाथों से ये मैंने इसे अपने अच्छे वॉच लिस्ट में रख रखा था और काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है। और कुछ टाइम पहले इसके रिजल्ट आए थे, जैसे कि मैं आपको इस स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी। ओके, मैं इसे में इन्वेस्ट नहीं कर पाया बट स्टिल अगर बात करूँ तो 15% के लगभग ये 2 दिन में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे ही शेयर यहाँ पर चूज किए जाते हैं। बट आज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हम इसके फाइनेंस यहाँ पर एज वेल एज इसके फंडामेंटल और इसके टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि काफी लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाती तो अगर आपके पास तुरंत के तुरंत वीडियो पहुंचे और आप यहाँ पर वीडियोस को देख सके। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि जितना सपोर्ट आप कर रहे हैं और मुझे इससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को जितना हो सके प्यार दीजिए। हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियोज़ में छुपी रहती है। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल यहाँ पर छुपा रहेगा कि आप इन वीडियोज़ को देखते देखते टेक्निकल भी सीख जाएंगे और यहाँ पर चैनल बनाएंगे तो टेक्निकल सिखाएंगे। और इसके अलावा इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरीज हो तो क्वेरीज पूछ सकते हैं, किसी स्टॉक्स के में पूछ सकते हैं, एज वेल एज इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार फाइनेंस की अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन यहाँ पर शेयर दिखाई देता है। बोनस की बात करें 2017 में 1:1 का बोनस दे चुका है। डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2020 में 10 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है। यहाँ पर अभी देखिए 18 अप्रैल को यहाँ पर इसके क्या आते हुए दिखाई दिए थे, रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे। जैसे रिजल्ट आए थे, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं हर एक 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 कंपनी के रिजल्ट देखता हूँ डेली, और रिजल्ट देखने के बाद यहाँ पर एक नोट बनाता हूँ जहाँ पर अच्छी कंपनी और बैड कंपनी का यहाँ पर एक्सेल शीट में मिक्स है। और बहुत सारी कंपनीज, लगभग 90+ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए हैं तो वो मैंने ऐड करके रख रखे हैं। तो उन्हीं में से मैं आपको एक एक करके देख लिया। यहाँ पर ईविक्सिया के रिलेटेड बताया 5% का अपर सर्किट, यहाँ पर सेमी कंडक्टर मोस्टिप के बारे में बताया, आज मैं हाउसिंग कंपनी स्टार हाउसिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको एक बेहतरीन कंपनी से रूबरू करा रहा हूँ और कब खरीदना है उससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि आग बंद किया और कभी भी खरीद लिया, खरीदने के पीछे भी एक साइंस होती है और साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस ही लिख रहा है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, दैट स्टार्ट 2005 में यहाँ पर शुरू हुई थी। इसके अलावा प्रोवाइड होम लोन्स टू लो एंड मिड इनकम, जैसे कि आप जान सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली को यहाँ पर ये अपना लोन प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। पीएलए स्कीम जो प्रधानमंत्री निवास योजना है उसके अंतर्गत भी ये आती हुई दिखाई देती है। बिजनेस की बात करें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में एक कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, पैन इंडिया नहीं है। इसके अलावा होम लोन में ये काम करती हुई दिखाई देती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोन से रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है। बिजनेस ऑपरेशन की बात करें, एक्मे स्टार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की इज फोकस ऑन द लो एंड द मिडिल इनकम, जो कि हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। लगभग 65% पोर्टफोलियो इनका एसीटी से है। कंपनी डज नॉट फाइनेंस एनी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, तो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को फाइनेंस नहीं करती, और इट फंड्स ओनली प्रॉपर्टीज दैट आर 85-90% कंप्लीटली और रेडी टू मूव इन का प्रॉपर्टी। तो रेडी टू मूव में ही मोस्टली ये कंपनी फाइनेंस करती है। जियोग्राफिकल कंसिडरेशन की बात कर रखी है कि कहाँ पर से कितना आता है, ये यहाँ पर देख लीजिए राजस्थान में किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। कंपनी राजस्थान में ज्यादा काम करती हुई दिखाई देती है। लोन बुक एंड एनपीए की बात करें तो कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम 12 करोड़ इन
फाइनेंशियल ईयर 15 एंड 77 करोड़ इन 20। तो अगर बात करें तो 12 करोड़ से 77 करोड़ हो गए 5 साल के अंदर अंदर, तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप है इनके लोन बुक में। इसके अलावा एनपीए की नेट एनपीए जो बात करें इंक्रीज शार्पली इन फाइनेंशियल 20 में इनका 2.78 था बल्कि, और अभी फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें 1.35। तो कहीं ना कहीं इनका ये एनपीए है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, वहाँ पर फंड रेज और उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर बता रखी है। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंस की। तो कंपनी जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा अमाउंट ही यहाँ पर फाइनेंस करती है, तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है 183 करोड़। तो माइक्रो कैप कंपनी में हमेशा याद रखिएगा रिटर्न्स मिलेंगे तो जबरदस्त मिलेंगे, और अगर गिरता हुआ नजर आया तो उसी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा। तो हमेशा यहाँ पर एक कॉशियस वे अपनाना आपको जरूरी पड़ेगा। पीई की बात करें 77 का पीई है, इंडस्ट्री का पीई 27 है, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो पी यहाँ पर बात करेंगे दूसरी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस तो काफी महंगा यहाँ पर नजर आता है। आरओसी आरओई फाइनेंस कंपनी का इतना ही रहता है, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, डेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेट का ही काम है इनका। और 120 इसका हाई था और 111 पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 की फेस वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू भी 62 है कंपनी की, जो ट्रू वैल्यू नजर आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, 2015 में शेयर आया यहाँ पर भागा, इसके बाद एक गिरावट कंसोलिडेशन, अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद ये ऑल टाइम हाई को भी अब बहुत जल्दी टच करेगा, और जब ऑल टाइम हाई को निकालेगा तो याद रखिए एक मल्टी या ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ सकता है। ये क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अगर बात करें इस शेयर को चूज करने के पीछे रीजन क्या था, तो इसके नंबर तो यहाँ पर देखेंगे एक लगातार जंप थी नंबर में, और इस बार की जो नंबर थे रिप सेल्स वो हाईएस्ट एवर था 5.11 करोड़, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे हाई था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 3 करोड़, जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छा था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पर एक साल पहले केवल 4% था वो अभी 58% है, जो कि यहाँ पर फैसिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पर नंबर अच्छे खासे है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर सब अच्छा खासा है 1.48 करोड़, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। ये और सेल्स की बात करें जहाँ 19 लाख रुपए की सेल्स 2011 में हुआ करती थी, आज की डेट में लगभग 18 करोड़ की सेल्स है, तो कंटिन्यूअस यहाँ पर जंप है इनकी सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो लगातार यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर मार्जिन कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कंपनी अच्छे खासा नंबर है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी के अच्छे खासे रिजर्व्स है, इन्वेस्टमेंट लगभग 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 34 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है कंपनी के पास। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखिए पहले बढ़ी थी सितंबर से, और फिर मार्च में अभी थोड़ी सी लगभग बात करें तो 4% के आसपास की 3.something% के आसपास की हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आई है। और पब्लिक की बात करें पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है 58% से 62.62% की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई है, बट इसमें भी यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, कुछ लोगों ने तो अभी फिलहाल में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, ओके, या फिर हम यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेकआउट ये 2020 का जो ब्रेकआउट था, ओके, जो उसको ब्रेक करके यहाँ पर चीजें अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है इस पर्टिकुलर कंपनी में। और यहाँ पर ये लेवल जो है जो इसका फिलहाल में हाई लेवल था, मतलब 120 रुपए का, 120 रुपए को अगर ये निकालता है तो याद रखिए एक और बेहतरीन रैली इसमें होती हुई नजर आ सकती है, जो इसे और भी ज्यादा लेते हुए जाएगी। और यहाँ पर जो ट्रेंडिंग लाइन दिखाई दी है ना, इस ट्रेंडिंग लाइन को भी ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की बात करूं तो नीचे यहाँ पर अभी बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है 108 रुपए का, 108 के नीचे आया तो याद रखिए फिर सीधे 97 जो ये सपोर्ट दिख रहा है इसके नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये सपोर्ट नजर आएगा। तो पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है, और अब रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। देखिए यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस था बट यहाँ पर ये क्रॉस कर दिया तो अब ये सपोर्ट बन गया और रेजिस्टेंस बन गया ये, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 119 पॉइंट, मतलब 120 रुपए का 120 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक और जंप देखी जाएगी। बट यहाँ पर ईयरली ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए? ईयरली ब्रेकआउट के लिए चाहिए ये वाला लेवल, एग्जैक्ट मैं आपको लेवल बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो ईयर 2017 में यहाँ पर जो शेयर था लगभग 131-132 रुपए के आसपास था, 132 को क्रॉस करता है तो ईयरली ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट लगातार यहाँ पर जंप मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से लगातार होती रहेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने की यहाँ पर चांसेस भी है। और कभी ये शेयर इस रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे, ओके, और इस रेंज में आपको मिल जाए, ओके, नेक्स्ट रिजल्ट आने से पहले, Q1 के रिजल्ट आने से पहले, तो यहाँ पर एक्युमुलेट करने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बेहतरीन
रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग ये शेयर थोड़ा बहुत भागा था, फिर अगेन यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छे खासे रिटर्न, वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम अच्छे खासे है, एवरीथिंग इज गुड। और अपने जितने भी यहाँ पर ये ब्रेकआउट है उस ब्रेकआउट को भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर नीचे मिलता है तो एक्युमुलेट करने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर एक्युमुलेट करूंगा, अभी मेरे पास शेयर नहीं है ये, बट जैसे ही अगर नीचे मिलेगा मुझे, अगर मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आएगा तो मैं डेफिनेटली इसमें ट्राई करूंगा बाइंग करने की। और आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ आपको बता दिया, टारगेट बता दिया कि किस तरीके से ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो जितना हो सके लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बड़ी मेहनत से स्टॉक्स को चूज किया जाता है, आपके सामने पेश किया जाता है, तो आपका सपोर्ट तो बनता है कि हमारे चैनल पे आप अपना प्यार बरसाइए। और यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इन नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।